आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं बेटी हूं और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो हर बार एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आपको अपनी स्टोरी से इंस्पायर करती है, और आज हम ऐसी बेटी से आपको मिलवाएंगे जो साहित्यकार है, क्योंकि बेटियों की अगर बात कर ली जाए तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और आज की बेटी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर कुमुद रामानंद जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक में। तो आज आपकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे, अपनी बेटियों को बताएंगे, क्योंकि काफी अलग लाइन आपने चूज की है, क्योंकि हर कोई अलग क्षेत्र में जाना चाहता है, पर आप एक साहित्यकार हैं, तो किस तरीके से शुरुआत की? अगर आप साहित्य की बात करेंगे तो लिखने पढ़ने का शौक तो बहुत बचपन से था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही की रुचि जो थी पढ़ने में बहुत ज्यादा थी, लिखने में भी बहुत ज्यादा थी, तो उनसे ये चीज हमको पारिवारिक तौर से सभी बहन भाइयों को हमको मिली है। तो वो धीरे धीरे पिता सिखाते थे कि कोई चीज़ आपको लिखनी है, फिर थोड़े वो कड़े अनुशासन वाले थे, तो जब लेके जाते थे लिखा हुआ तो वो बिना देखे ही फाड़ देते थे कि इसे दोबारा लिख करके लाए। तो वहाँ से अभ्यास प्रारंभ हुआ और वो धीरे धीरे पनपता रहा, डायरीज के रूप में मेरे पास सुरक्षित रहा, लेकिन सबसे पहले जो पुस्तक के रूप में छपा वो 2011 में छपा था। तो शुरुआत से ही पारिवारिक माहौल आपने जिस तरीके से बताया कि वही रहा, तो आपका रुझान उन्हीं चीजों में बढ़ता गया। हाँ बिल्कुल। तो किताबों की आपने बात कही कि किताबें लिखने का आपको शौक है, कैसी कैसी आपने किताबें लिखी और कुल कितनी किताबें आप अब तक लिख चुकी हैं? अगर आप कहें कि कौन कौन सी लिखी है, तो मेरी ज्यादातर इंटरेस्ट जो है वो पोएट्री में है, कविताएं लिखने में है। कविताओं की 2-3 विधाओं में मैंने काम किया है, और एक आलोचना पे भी पुस्तक है, एक मैंने अपने 200 वर्ष का पारिवारिक इतिहास जो हमारा है उस पे भी एक पुस्तक लिखी थी, और लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर भी जो हमारे एसेज हैं, जो मेरी प्रेजेंटेशंस होती रही हैं उनको भी मैंने अभी संकलन के रूप में, वो आने वाला है। तो रुचि आपने बताई कि लिखने में आप हमेशा, आपका शौक रहा है और इस तरीके से, लेकिन अगर आज की हम बात करें, आज के समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो बहुत ही एक अलग क्षेत्र आपने चुना है। बहुत सारे लोगों का रुझान नहीं होता, लेकिन आप एक साहित्यकार हैं, आप इन चीज़ों को समझ पाती हैं, तो जो किताबें आपने लिखी या जो फिर कविताएँ आप लिखती हैं, और लोगों की कितनी रुचि आपको लगती है कि लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, हिंदी साहित्य वैसे ही लोग कम पढ़ते हैं, और उसमें से कविताओं का जो पाठन होता है, पठन होता है, वो बहुत कम होता है, किंतु किसी चीज़ की हम बाह्य अपेक्षाओं के आधार पर हम अपनी अभिव्यक्ति को तो नहीं ना रोक सकते हैं, तो वो अभिव्यक्ति अपनी निरंतर चलती रहती है। जैसे जैसे लोग उन पे संपर्क में आते हैं, पुस्तकों के संपर्क में आते हैं, तो वो उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें भी अपने पाठकों से नया सीखने को मिलता है जब वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़ते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आप जब जानती हैं या आप सुनती होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता चलती हैं। कुमुद जी, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। विद्यालय की शिक्षा जो है मेरी, वो बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी से हुई है जी। बहुत छोटी उम्र में माता पिता ने भेज दिया था, कि हालांकि उस समय में 1960 के दशक में बेटियों का, महिलाओं का बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल था, और हम जैसे जो खानदानी लोग होते थे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कुमुद जी, रोकना चाहूँगी, आपने खुद ये बात कही कि उस समय में बेटियों का घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हुआ करता था, वो सहयोग भी मिल नहीं पाता था, तो बहुत कठिन वो सफ़र तय करना हो जाता था। तो उस दौर में आपने जब अपना क्षेत्र चुन लिया था कि मुझे ये करना है, तो पारिवारिक सहयोग क्या आपको मिला? उस समय तो हम इतने छोटे थे कि हमारा क्षेत्र चुनने का कोई अर्थ नहीं था, ये तो माँ बाप का उस समय की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने हमें पिलानी जैसे बिरला बालिका विद्यापीठ जैसे स्कूल में भेजा। लेकिन उसके बाद जब आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया, फिर कॉलेज में आप गई, उसके बाद यहाँ का जो स्थानीय चंडीगढ़ का कॉलेज है, मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और उस समय भी मतलब कॉलेज में भेजना, बाहर भेजना काफ़ी कठिन होता था, किंतु उसके बाद ये एक मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय था कि मैंने कानून की शिक्षा लेनी है, तो मैंने यहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से एलएलबी में दाखिला लिया। तो मेरे माता पिता ने कभी मतलब इस चीज़ में विरोध नहीं किया कि आप क्यों पढ़ना। तो पारिवारिक सहयोग हमेशा मिला, शुरुआत में आपने माहौल भी बताया कि माहौल हमेशा ऐसा रहा है, तो आप इस रास्ते पर चली। आपने बताया कि लॉ आपने किया, वकालत आपने की, तो वो सफ़र कैसा रहा इस बीच?
वकालत में उस समय मुझे अभी तक ध्यान है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट लगा करती थी और हाँ कुल मिलाकर के 300 स्टूडेंट्स थे दोनों समय में, और उस समय हम केवल 10 लड़कियां हुआ करती थी जो हम लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे। किंतु वहाँ भी मतलब मुझे अपने शिक्षकों से या कहीं ऐसा नहीं लगा कि भई हमको कोई नीचे निगाह से देखा जा रहा है या कोई अलग मान के देखा जा रहा है कि ये महिलाएं, मतलब बहुत सुखद वातावरण रहा और कोई अड़चन ऐसे नहीं आई कि आप कानूनी क्यों पढ़ रही हैं लड़की हो करके, ऐसा नहीं लगा कभी। तो एज अ एडवोकेट आपने काम किया और उस दौरान क्या कभी कुछ मुश्किलें आपके सामने आई, क्योंकि आपने बताया कि लड़कियां भी केवल आप 10 थी। हाँ। तो उस दौर में, उस समय में वो काम करना, वो पढ़ाई करना और वो पेशा चुनना अपने आप में ही एक बड़ा कदम है। बिल्कुल बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से, बहुत बड़ा कदम था। और जब मैंने जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने का मन बनाया था, वो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, वहाँ पर उस समय भी मतलब ये आम जनता ये सोचती थी कि ये तो महिला है, लड़की है, ये कैसे केस जिता पाएगी, क्या होगा। तो वो उस समय तक मतलब 2000 के पहले के दशक में ऐसी कोई सोच बदली नहीं। तो मुझे मतलब चुनौतियां उस वक्त भी आपके सामने थी, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते चुनौतियां बहुत आई, तो उनका सामना करने के लिए वो मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो मैं कहूँगी कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको ये कार्य करना है। और जब भी मैं, और मुझे लगता है कोई भी कार्य करना हो, चाहे वकालत करनी हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में अगर आप फ्लाइंग भी करना चाहते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनेंगे तो उसमें मुश्किलें तो आती है, कोई सहज पथ तो कभी भी नहीं हुआ करते हैं जीवन में। और अगर हम ये आत्मविश्वास रखें कि हम इसको पार पा पाएंगे और तो इंसान सहज हो जाता है। तो खुद पर विश्वास था, आत्मविश्वास की आप बात कर रही हैं, वकालत आपका पेशा रहा और लिखने का भी आपको शौक है, आप किताबें लिखती हैं, कुल 18 के करीब आपने पुस्तकें लिखी हैं, तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना क्या थोड़ा मुश्किल लगा कभी? नहीं, ये दोनों साथ साथ नहीं थे। अच्छा। वकालत जब मैं कर रही थी तो वो पूर्णतः वकालत के ही रूप में था, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं मिलता था। तो वकालत आपका पेशा रहा और लिखने का आप शौक रखती हैं, अपना जो आपका सेवा काल है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, सेवा काल जो आपका रहा। जो सेवा का कार्य था वो शुरुआती दौर में मेरे पास मतलब मेरा कोई रुझान नहीं था उस तरफ, किंतु ये 1990 के शुरुआती दशक की बात है कि मेरी अम्मा, जिसे हम बोलते थे उस समय, मेरी अम्मा ने बोला कि तुमको अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि तुम मेरी माता हो या मेरी दुश्मन हो, हर कोई चाहता है कि हमारी बेटियों को मिले। तब उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि धन तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है, शिक्षा तुम्हारे पास है, किंतु तुम इसका किसी को कुछ देती तो नहीं हो ना। तो उस समय वो जो मेरी माता ने ये प्रेरणा दी कि हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तब 1990 के प्राथमिक वर्षों में उस समय साक्षरता मिशन चल रहा था, तो मैंने जिला स्तर पे साक्षरता मिशन से मैं 1990 के आसपास में जुड़ी और बहुत गांवों में जाते थे, शाम को बच्चों को पढ़ाते थे जी। तो वो वहाँ से एक मेरा जो था सोशल वर्क का दौर शुरू हुआ। तो मतलब वहाँ से आपको सीख मिली कि मुझे जो चीज़ें मेरे पास है वो मुझे समाज में भी आगे बांटनी चाहिए और समाज सेवा की तरफ आप बढ़ी। 2008 की बात करेंगे, उस समय संन्यास लेने की भी आपने सोची, तो वो मन में मतलब कहाँ से आया कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न तो बहुत व्यक्तिगत सा है, किंतु फिर भी वो प्रश्न मन में यूं आया कि मुझे हमेशा से ये लगता कि हमारा व्यक्ति का कोई भी है अंतिम लक्ष्य तो परम ही होता है, परमात्मा से ही लॉ लगनी चाहिए। और संन्यास का मैंने हमेशा सोचा था कि ये तो एक मानसिक अवस्था है किसी भी इंसान की, वो कहीं भी रह करके भी संन्यासी रह सकता है। किंतु होता क्या है कि जब हम पूरी इस सामाजिक दुनिया में रहते हैं तब दिन रात कुछ ना कुछ सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता रहता है। तो प्रारंभिक दौर में मुझे ये लगा कि मैं अगर विरक्ति हो जाऊंगी, विरक्त मेरे भाव मेरे अंदर जागृत होंगे और मेरा बाहर के संसार से संपर्क कटेगा, तो जिस राह पर मुझे जाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना, वो शायद इन सब सहायक चीज़ों से आसान हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, माला जपने का है जी। तो वो माला जो है वो एक आपका सिर्फ एक सहायक यंत्र है कि आपको जो उस मानसिक अवस्था में पहुंचाता है जब आप बाहरी चीज़ों से कट जाते हैं,
किंतु वो आपका अंतिम वो नहीं है, माला भी छूट जाता। तो आपका जो फोकस था वो अपने लक्ष्य पर था कि मेरा लक्ष्य जो है मुझे साधना है पूरे तरीके से, उसके लिए मुझे मोह माया को त्याग देना एक तरीके से। लेकिन कुमुद जी, जिस समाज में हम रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज हम इसकी बात करते हैं, तो एक मानसिकता होती है कि जो लड़कियां हैं उनकी बिना शादी के बिना कोई जीवन नहीं है, मतलब वो प्रायोरिटी रहती है आज के समाज में। लड़की 20-21 साल की होने लगती है तो शादी की बातें होने लगती हैं। तो उन लोगों के लिए या उन लोगों की जो मानसिकता है ये, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक अच्छा उदाहरण आप उनके लिए हैं। देखिए, शुरुआती दौर में मेरे को भी माता पिता के द्वारा थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया था, किंतु मेरे पिता क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनकी सोच बहुत आगे की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो हम बैठ के इस विषय पे वार्तालाप करते हैं, कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ करने के लिए और आप क्यों कह रही हैं कि मुझे नहीं करनी है। तो जब हमने वार्तालाप इस चीज़ का किया, तो उनका अंतिम हमारा जो निर्णय निकला वो ये था कि पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, और शायद उस समय के दौर में और आज के भी दौर में शादी हो जाना एक सुखी जीवन का मूलभूत तत्व मान लिया जाता था। तब मैंने इसका उत्तर भी, उस समय बहुत पुरानी बात है, 1976-77 के आसपास की बात है, मैंने उस समय भी उनको ये कहा था कि पिताजी, अगर भाग्य में सुख लिखा है तो किसी भी परिस्थिति में मिल जाता है, उसके लिए वैवाहिक जीवन कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मुझे ये कभी ऐसा आवश्यक तत्व नहीं लगा कि हमारे जीवन। मुझे ये बेटियों के लिए कार्यक्रम है और बेटियों को बहुत यहाँ से इस कार्यक्रम से संदेश एक हम देने की कोशिश करते हैं। तो कई लड़कियाँ जो सिर्फ अपने जीवन में एक लक्ष्य साधने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल ही हो सकता है, क्योंकि वही मैं फिर से कहूँगी जिस समाज में हम रहते हैं उनकी मानसिकता है यहाँ। लेकिन आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो लड़की ये निर्णय लेती है कि उसे वैवाहिक जीवन में नहीं जाना है, तो उसको मानसिक रूप से और एक भावनात्मक तौर पर बहुत सशक्त होना चाहिए, क्योंकि समाज में हर समय आपको टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और कठिन भी है। हाँ, और आर्थिक स्थिति में भी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, मानसिक रूप से भी निर्भर ना हो, आर्थिक रूप से भी निर्भर ना हो। कुमुद जी, उसके बाद आपने न केवल भारत बल्कि आप विदेश यात्रा पर भी गई, वहाँ पर भी आपने जाकर लोगों को समझने की कोशिश की और किस तरीके से बाहरी देशों में क्या कुछ खास रहता है वो आपने जाना। तो क्या जब आप लिखती थी वहाँ पर कुछ सहयोग मिल पाया आपको? ऐसे है कि मुझे पहले तो ये लगता था कि हमारे भारत देश में और बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है, जो कि अमूमन लोग सोचते भी हैं। नहीं, अगर आप सांसारिक दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो आज भी बहुत अंतर है, किंतु मुझे ये लगा, 1983 की बात है, तब मुझे ये एहसास हुआ कि हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, और चाहे आज हैं चाहे आज से 10,000 वर्ष पूर्व थे, हमारा स्तर वही है, हम सभी एक ही स्तर पर जी रहे हैं, तो कुछ ऐसा अलग मुझे लगा नहीं। आपको कुछ अंतर उस दौरान नहीं मिला? उस दौरान मतलब सुख सुविधाओं को, बाहरी परिवेश को छोड़ करके इंसान की बुद्धि के रूप में उसके भावनात्मक स्तर पे उसको क्रोध आना, आवेग आना, ये सब चीजें मुझे लगता था हम इंसान है और सब जगह एक ही है, पूरे संसार में एक ही है, तो सब जगह एक है, बस उसका एक्सप्रेशन जो होता है ना, हमारे संवेदनाओं का एक्सप्रेशन जो होता है वो काल और स्थिति के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से वो बदल जाता है बस। तो चीजें परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती हैं, खुद को, इंसान को ढालना भी चाहिए उस तरीके से। कुमुद जी से हम जान रहे हैं कि किस तरीके का उनका जीवन रहा, क्योंकि साहित्यकार हैं, अलग अलग रचनाएं उन्होंने की हैं, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और क्या कुछ उनके जीवन में खास रहा, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं बेटी हूं, और कुमुद जी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बहुत कुछ आज सीख भी रहे हैं। कुमुद जी, 2 साल एज अ डायरेक्टर भी आपने काम किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हरियाणा साहित्य अकादमी में निदेशक का पद जब मैंने ग्रहण किया था तो काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो हमेशा हर एक लड़की के, एक महिला के सामने आती है, वो ये क्षेत्र भी कोई अछूता नहीं था कि यहाँ एक पुरुष निदेशक और एक महिला निदेशक के सामने चुनौतियों के जो आयाम होते हैं वो अलग अलग आयाम होते हैं। तो जो हमेशा लड़कियों पर प्रश्न होता है कि क्या ये कर पाएगी, वो प्रश्न यहाँ भी था कि क्या ये निदेशक के रूप में कार्य कर पाएगी।
फिर धीरे धीरे लोग मुझे समझने लगे, मैं भी हरियाणा के समस्त साहित्यकारों को समझने लगी, तो उसके बाद सहयोग स्वतः आने लगा। जैसे दरिया बहता है वैसे तब तरफ से सहयोग आने लगा। तो मुझे आपने बताया कि एक सवाल सबके मन में रहता है कि क्या ये कर पाएगी, तो ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां हमारे आसपास होती हैं, या नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स की बात कर लें, जब वो चीज़ें हमारे आसपास काम करने लगती हैं तो एक सवाल खुद के मन में भी उठने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगी, तो क्या वो सवाल आपके मन में कभी उठा? नहीं, ये मेरे साथ ऐसा मैंने कभी भी नहीं, क्योंकि आप ये कह लें परिवार का कह लें या शिक्षा का कह लें, कभी खुद पर हावी नहीं। नेगेटिविटी मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं हमको वातावरण में नकारात्मकता मिलती है, ये सिर्फ हमारी एक सोच हो जाती है, और उस सोच में मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि नकारात्मकता है। हम परिस्थितिवश बस वैसा सोचने लगते हैं, लेकिन मतलब मेरे को कभी चुनौतियों से मैं डगमगाई नहीं, कभी हिली नहीं मैं। इसी के साथ आपने कुरुक्षेत्र के रीजनल सेंटर में भी काम किया है एज अ गेस्ट टीचर, वहाँ पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उस वक्त कैसी रही आपकी जर्नी? अगर मुझे कभी बचपन में किसी ने पूछा होगा कि आप क्या बनेंगे, तो शायद मैंने कहा होगा कि मैं एक अध्यापक बनूंगी, क्योंकि मुझे टीचिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। एकदम से बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ संवाद करना, एक मतलब मेरे को दिली खुशी मिलती है उससे। और जब वो मेरे वर्ष रहे, मैंने पहले कुरुक्षेत्र का रीजनल सेंटर हुआ करता था सिरसा में, उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बना, मैंने तब भी वहाँ पे कानून की शिक्षा में, उस दौरान मैं प्रैक्टिस भी करती थी लॉ के, तो मैं जो जीरो पीरियड और फर्स्ट पीरियड होता था वो मैं लेकर के सीधा कोर्ट जाती थी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस दौरान बच्चे जब आपके साथ जुड़ते थे, उसमें लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे, तो क्या उन्हें भी जब बहुत कुछ आपने सिखाया तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला उस दौरान? हाँ, एक आप में जीवंतता तो आती ही है जब अपने से छोटी आयु के देखते हैं विद्यार्थियों को, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जीरो पीरियड में भी मेरे दोनों पीरियड्स में स्ट्रेंथ जो थी कम से कम 70-75% से ऊपर स्ट्रेंथ, और वो सर्दियों के कोहरे के दिन भी होते थे तब भी स्टूडेंट्स आते थे, तो बहुत सुखद अनुभव रहा है मेरे लिए। तो वो माहौल और वातावरण की भी बात होती है, तो मुझे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं की आज़ादी को आप किस तरीके से देखती हैं, कि आज के समय में क्या महिलाओं को आज़ादी है कुछ भी करने की, अपने सपनों को देखने की और फिर उन्हें पूरा करने की? आज़ादी शब्द जो है ना बहुत डिफरेंट आयाम लिए हुए होता है। आज़ादी से आप एक स्वतंत्रता के रूप में ले सकते हैं जी। अगर स्वतंत्रता के रूप में देखें तो जो जब हम पैदा हुए थे और आज के जब माहौल को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर है। आज महिलाओं को काफ़ी कुछ आज़ादी भी है, स्वतंत्रता भी है, लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम लोग जितने मतलब एक परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालते थे और अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के चलते थे, वो आज कहीं ना कहीं उसमें उच्छृंखलता आ गई है, तो वो हम हरियाणा की बेटियों की बात करेंगे। हरियाणा की बेटियों को देखते हो, क्योंकि माहौल आपने कहा बदल भी रहा है, चाहे वो खेलों के प्रति हम देख लें या फिर सुंदरता के उसमें देख लें, विश्व सुंदरी भी हमारे हरियाणा से हुई है मानुषी छिल्लर, तो हरियाणा की बेटियों को आज कहाँ देखती हैं आप? आपको क्या लगता है कि अगर मानुषी छिल्लर ना बनती तो क्या भारत में हरियाणा में से सौंदर्य नहीं था? बिल्कुल था। तो ये एक स्टैम्प लगना कि भाई हाँ वो विश्व सुंदरी बन गई है तो भाई हमारे हरियाणा में बहुत सौंदर्य आ गया, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, एक उसको पहचान मिल गई है, अदरवाइज हरियाणा की महिलाएं हैं, कहीं भी भारत की महिलाएं हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। कुमुद जी, एज अ डायरेक्टर आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रही, वो जानना चाहेंगे? एज ए डायरेक्टर सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता ये थी कि जब मेरे को ये एहसास होने लगा था कि आज के युवा पीढ़ी में साहित्य के प्रति रुझान नहीं है, बिल्कुल भी रुझान नहीं है, ना वो लिखना चाहते हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि हम लोग जो 60 के दशक अपनी उम्र के उसमें चल रहे हैं दौर में, या 70 वर्ष के ऊपर के हैं, कल 5-7 साल बाद या कल जब हम नहीं रहेंगे तब क्या, तब साहित्य के कौन रखवाले होने वाले हैं? तो उस दृष्टिकोण से हमने पूरे हरियाणा में कार्यशालाओं का आयोजन किया महाविद्यालय स्तर पर, तो उससे जो बच्चों ने सीखा
तब हमको मेरे को पहली बार ये एहसास हुआ कि नहीं, ये लोग सीखना तो चाहते हैं, सिर्फ इनको दिशा नहीं दी गई है किसी के द्वारा। क्योंकि कुमुद जी, आजकल ऐसा परिवारों में भी इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता दी जाती है कि बच्चों को कहा जाता है कि आप हिंदी से ज़्यादा अंग्रेज़ी पर ध्यान दें, अंग्रेज़ी ही बोलना उन्हें सिखाया जाता है। यहाँ तक कि माँ बाप घर में भी उनके साथ बात अगर करते हैं तो अंग्रेज़ी में करते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उसका घर में ही गला घोंट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए तो कोई कानून तो बनाया नहीं जा सकता है, इसके लिए तो हम ही को देखना होगा कि जो हमारी मातृभाषा है, भले ही वो पंजाबी है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोई भी है, मलयालम है, जब तक हम उसमें अपने आप को स्थापित नहीं करेंगे और जब तक हमें ये भान नहीं आएगा कि मेरी मातृभाषा है और यही मेरी पहचान है, तब तक हम उसको आगे लेकर के नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये इसकी शुरुआत हमें कहीं ना कहीं घर से भी करनी होगी। ही घर से ही होगी, और वो हमें सोचना होगा कि भाई अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई आने से कोई दिमाग बहुत तेज नहीं हो जाता है। हिंदी के भी अध्यापक, हिंदी के भी स्टूडेंट्स उतनी ही बुद्धि रखेंगे जितनी वो रखती है। और भाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदी और संस्कृत से ज्यादा समृद्ध भाषाएं नहीं है हमारे पास। जी नहीं है। कुमुद जी, इसी के साथ वेबसाइट की भी आपकी तरफ से शुरुआत की गई है, उस वेबसाइट के बारे में बताइए, लोगों को किस तरीके से उसका लाभ मिल सकता है। इसमें जो हरियाणा के हमारे सभी साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके लिए मेरे मन में था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जो वहाँ आपस में हम एक दूसरे को वो लोग जान सकें। एक मान लीजिए एक नारनौल में कोई बैठा है, एक डब्बवाली में बैठा है, एक कालका में बैठा है, नहीं जानते एक दूसरे को, नहीं एक्सपोजर नहीं होता है उतना, तो उस वेबसाइट के माध्यम से हमने, मतलब मैं इसके लिए तो हरियाणा सरकार का ही मैं तो शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने एक मुझे कभी रोका नहीं कि आपको अगर ये काम करना है तो इसमें इतना खर्चा क्यों लगेगा, क्यों करें, उन्होंने हमेशा साथ दिया। और ये वेबसाइट में जितने भी हरियाणा के रचनाकार हैं वो अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, अपनी पुस्तकों का समग्र विवरण दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, और उसके ऊपर एक एक पैराग्राफ में, एक एक पेज में भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका लाभ इसलिए भी मिल पाएगा कि लोग आपस में जुड़ पाएँ, एक दूसरे को जान पाएँ। हाँ, इसमें हमने एक और चीज़ की फैसिलिटी जो दी है वो ये है कि मान लीजिए आप साहित्यकार हैं और आपने लॉगिन किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस पासवर्ड के माध्यम से आप अपने पेज पर उसमें कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई आपने एक नई पुस्तक आई है वो आप उसे ऐड कर सकते हैं, और जो दूसरे साहित्यकार हैं वो सिर्फ आपका देख सकते हैं, वो आपके पेज में कोई परिवर्तन नहीं कर, वो पढ़ सकते हैं जो भी किसी दूसरे साहित्यकार की कोई रचना है, कोई कविता है। वो हमने एक पेज आपके लिए इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर दिया है कि आप उसमें जब चाहें अपना कोई भी डाल सकते हैं, तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है मुझे नहीं लगता कि, और जहाँ तक अभी तक सूचनाएं मिल रही हैं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो साहित्यकारों के लिए ही। और इस तरीके की वेबसाइट आपकी तरफ से शुरू की गई है साहित्यकारों के लिए, क्या लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई हमें मिल रहा है, और हमने इसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया था, अखबारों के माध्यम से भी किया, जो अकादमी की मासिक पत्रिका है उसमें भी सूचनाएं बराबर जा रही है, क्योंकि लोगों को जुड़ने का मौका मिल रहा है और अपनी जो उनकी रचनाएं हैं वो औरों तक पहुंच पा रही हैं। जितने भी लेखक हैं उनके लिए बहुत अच्छा कदम है। युवाओं के लिए क्या कुछ आप किस तरीके से संदेश पहुंचाएंगी, क्योंकि साहित्य की आप बात कर रही हैं और आपने ये बताया कि युवाओं में वो चीज़ों का क्रेज कम होता जा रहा है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही। देखिए, हमने तो कार्यशालाएँ आयोजित की, 2 वर्ष तक हमने करी लगभग, उसके माध्यम से मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन लगभग 2000 महाविद्यालय के छात्रों छात्राओं को हमने इस तरफ मोड़ा है, और हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं उन छात्र छात्राओं के लिए, और वो लोग अपनी रचनाएं डालते हैं उसमें, और मैं भी उसमें जो भी सुधार करना होता है या बताना होता है कि भाई यहाँ मात्रा की कमी रह गई, या इस शब्द की बजाय अगर हम इस शब्द को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो मैं करती हूँ। लगभग 1 घंटा मेरा डेली इसमें लगता है, तो ताकि इनमें सुधार हो पाए, कोई कमियां हैं तो उन्हें छांटा जाता है कि कमियों को दूर किया जा सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी जिन बच्चों ने हमारे यहाँ कार्यशालाओं में सीखा था उनकी मैगजीन्स में भी, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनकी छप रही हैं रचनाएँ, और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को लिखना नहीं आता, सिर्फ शौक होता है, और वो फिर लिख पाता है तो कोशिश करता है। अब तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोशिश के स्तर पर हैं, उससे बहुत आगे निकल गए हैं। कुमुद जी, आपको एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है,
ऐसा था कि जब मैंने साक्षरता मिशन में 1990 के शुरुआती दौर में काम करने लगी थी, तब मुझे ये मन में तब भी यही भावना थी कि अगर हमको कहीं सबलता लानी है, कहीं भी है, चाहे स्त्री का क्षेत्र स्त्री के लिए है या पुरुष के लिए है, तो हमको अपनी सोच को बदलना होगा। तो फिर 1994 में मैंने एक निर्झरनी नारी सहयोग समिति प्रारंभ की थी। उस समय भी मेरे सिरसा में ऐसा कोई गांव नहीं था जहाँ मैं जाकर के महिलाओं से मिली नहीं, उनसे बातचीत नहीं की। और इसीलिए मुझे ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा था, ग्रास रूट पे महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए जब जी, तो आपको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कुमु जी, जितनी भी बेटियां इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन्हें क्या संदेश आप देंगी? मैं उनसे तो यही कहूँगी कि अपने आप में आत्मविश्वास रखें, और एक जो हमारे यहाँ परंपरा थी संयुक्त परिवार की, माता पिता के सम्मान की, भारतीय संस्कृति को साथ लेने की और अपने देश से प्यार करने की। बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश कुमु जी आपने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कुमु जी से आज आपने जाना उनके पूरे जीवन के बारे में, कैसी उनकी जर्नी रही, एक साहित्यकार होने के नाते जो अलग अलग रचनाएं उन्होंने की, अलग अलग पुस्तकें उन्होंने लिखी, तो एक अलग ही उनका सफर रहा। और एक महिला होने के नाते चुनौतियों का भी उन्होंने बखूबी सामना किया है। और जिस तरीके से बहुत ही एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि अपनी मातृभाषा को हमेशा अपने साथ लेकर चले और अपने आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दे। चलिए, आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।